दोस्तों बहुत से लोगों को CSD से विकलित में पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 दिसंबर 2023 से CSD से विकल खरीदने के समय की जाने वाली पेमेंट प्रोसेस में बदलाव किए गए हैं। अभी आप सभी डिटेल्स भरने के बाद जब जनरेट डिमांड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स चेक करने के लिए बोला जाएगा। जब आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट का पेज ना खुलकर ये पेज आ जाएगा। आप यहां रीसेंट डिमांड या डिमांड पर क्लिक करके देखेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और आपको यहां डिमांड का स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखाएगा और साथ ही आपको यहां पर अमाउंट पेड में भी 0 दिखाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जब आप डिमांड प्लेस करते हैं तो आपकी डिमांड पहले चेक की जाती है कि सभी डिटेल्स आपने सही दी है। उसके बाद आपको डिमांड का अप्रूवल दिया जाता है और पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है। डिमांड अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग पेमेंट दिखा देगा और आपके पास यहाँ पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। डिमांड अप्रूव होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। आपको यहाँ पर पे पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने दूसरा पेज आ जाएगा। आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और इनमें से कोई भी पेमेंट मेथड चूज करना है और पे फॉर ऑर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप यहाँ पर जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फोन पे चूज कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर UPI ID एंटर करनी है और पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करना है और फोन पे ऐप खोलकर पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही आपको यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। आप यहां रिसेंट डिमांड या डिमांड पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस प्रोसेसिंग में चेंज हो गया है और यहां पर अमाउंट पेड में भी 0 की जगह पर पे किया गया अमाउंट दिखा रहा है। आशा करता हूं जानकारी आपको काम के लगी होगी। अगर आप CSD कैंटीन से व्हीकल खरीदने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद।